उत्तर और मध्य भारत में मॉनसून 2018 की आखिरी बारिश का दौर हुआ संपन्न, जल्द ही वापसी करेगा मॉनसून। नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और आप देख रहे हैं स्काईमेट वेदर रिपोर्ट। नॉर्थ इंडिया के पहाड़ों पर भीषण तबाही मचाने के बाद एक्टिव डब्ल्यूडी जम्मू कश्मीर से आगे निकल गया है। साइक्लोन डाए से लो प्रेशर बना सिस्टम भी अब निष्प्रभावी हो चुका है, इससे पहाड़ों से लेकर मैदानी राज्यों तक अब मौसम तेजी से बदलता हुआ दिखाई देगा। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश व्यापक रूप में कम हो जाएगी। इस बीच नॉर्थ पाकिस्तान पर एक फ्रेश डब्ल्यूडी आ गया है, लेकिन ये एक्टिव नहीं है। हालांकि हवाओं में बनी नमी के कारण कुछ बादल दिखेंगे और सोलन, शिमला, बिलासपुर, ऊना, देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, रुद्रपुर, सहारनपुर, बिजनौर, रामपुर, पीलीभीत और आसपास के शहरों में हल्की बारिश आज भी दिख सकती है। लेकिन अमृतसर, लुधियाना, हिसार, अंबाला, दिल्ली, चंडीगढ़, आगरा, मथुरा, जयपुर और आसपास के शहरों सहित नॉर्थ इंडिया के मैदानी राज्यों में मौसम सूखा रहेगा। खिली धूप और सुहावनी पश्चिमी शुष्क हवाएं लगातार चलने लगेंगी। साइक्लोन डाए ने देश के कई राज्यों को जहां तेज बारिश दी, लेकिन ईस्ट यूपी के कई शहरों को इसने निराश किया, जहां फसलों को पानी की जरूरत थी। आज भी लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, प्रतापगढ़, जौनपुर, गोरखपुर, वाराणसी सहित ईस्ट उत्तर प्रदेश और बिहार के पटना, गया, भागलपुर सहित सभी शहरों में मौसम सूखा रहेगा। हालांकि झारखंड में धनबाद, दुमका, देवगढ़, पश्चिम बंगाल में कोलकाता, बांकुरा, जलपाईगुड़ी और ओडिशा में पुरी, कटक, बालासोर तथा आसपास के शहरों में थोड़े समय के लिए अच्छी बारिश देखने को मिल सकती है। इसके अलावा साउथ छत्तीसगढ़ में बीजापुर, कांकेर, दंतेवाड़ा, महाराष्ट्र में नागपुर, नासिक, पुणे, रत्नागिरी, महाबलेश्वर और गोवा में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है, जबकि नॉर्थ छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान के लगभग सभी शहरों में शुष्क पश्चिमी हवाएं फिर से चलने लगी हैं, जिससे इन राज्यों में मौसम साफ हो जाएगा। स्काईमेट वेदर रिपोर्ट में अभी के लिए इतना ही। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।